नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर ऊपर ये वीडियो बनाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। इंडियन आर्मी जो रिक्रूट करता है, बहुत रिक्रूट होता है, साल भर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट रैली होता है, इंडिया के हर एक क्षेत्र में होता है। तो इस रिक्रूटमेंट रैली में जो एस्पिरेंट्स जो भाग लेते हैं, उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं उसको मालूम ही नहीं कि कैसे इस रैली में प्रिपेयर होता है। तो उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस बारे में एक वीडियो बनाया है। आप लोग ज़रूर ये वीडियो पूरा देखें। हम लोग इस टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया है। जो रिक्रूटमेंट रैली होता है उसमें इंडियन आर्मी में जो जवान रिक्रूट होता है, बहुत सारे जवान रिक्रूट होता है, तो इसमें फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत सारे जोर दिया जाता है। आपको जानना पड़ेगा कि आप कैसे इस फिजिकल फिटनेस लेवल उस तक पहुँचे जिससे आपको इस रैली में सक्सेस मिल जाए और आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो पाए। तो हम लोग इस ओनली हम लोग इस फिजिकल फिटनेस के ऊपर इस वीडियो बनाया है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस ही इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट बेसिकली जवान जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें काम आता है। जो रिटन एग्जामिन होता है वो नॉमिनल एग्जामिन होता है। आप अगर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं पास किया होंगे तो रिटन एग्जाम में आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज मच इम्पॉर्टेंट। ओके बंधु, तो हम लोग देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो पड़ाव है वो तो चार पड़ाव में होते हैं, चार भाग है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द 1.6 किलोमीटर रन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड इज द पुल अप, जो पुल अप होता है। एंड थर्ड इज द बैलेंस, जो बैलेंस करना पड़ता है। एंड फोर्थ स्टेप इज द 9 फीट डिच। तो आपको इस सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे। तो फर्स्ट आता है 1.6 किलोमीटर रन। इस जो ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट इसमें ही वो छूट जाते हैं, वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। तो कैसे होता है ये 1.6 किलोमीटर रन? ये ऑल कैटेगरी में होता है, इसमें ऑल कैटेगरी में होता है। आपको ये भागना, इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता ही है। अगर आप ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें जो मार्क्स होता है उसमें कैसे मार्क्स ये सिलेक्ट करता है। जो लोग 5 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर ये पूरा 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करता है वो ग्रुप वन में जाता है, और उस लोगों को 60 मार्क्स मिलता है। तो ये फुल मार्क्स है, 60 फुल मार्क्स उस लोग को मिलता है जो लोग 5 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के अंदर 1.6 किलोमीटर रन पूरा करता है। दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड जो ग्रुप है उसमें जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में वो पूरा कंप्लीट करता है, वो लोग दूसरे ग्रुप में जाता है और उसको मिलता है 48 मार्क्स। एंड जो लास्ट ग्रुप होता है जो 5 मिनट 45 से ज़्यादा टाइम निकलता है तो उस लोगों को फेल घोषणा किया जाता है। तो आपको समझ आई होगी जो इसमें जो लोग आपको ऐसे तरीके से प्रिपरेशन लेना होगा, फिजिकल फिटनेस ऐसे तरीके से होना चाहिए कि आप 5 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर 1.6 किलोमीटर रन कर पाए। ये दोस्तों बोलने में तो बहुत सिंपल बात है, पर करना जब करना पड़ेगा तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है जॉब है। आपको एक साल या डेढ़ साल आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, उसमें उस पर जाके आप लोग इस तरीके का फिजिकल फिटनेस अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों आप अगर आपका ड्रीम है तो इंडियन आर्मी में जवान बनने का, तो आप खुद जो साल होता है 17-18 साल से ही आप लोग इसके ऊपर बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें और कोशिश करें कि 5 मिनट से अंदर ही 1.6 किलोमीटर
आप रन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में 1.5 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर रन करोगे तो ही आप रैली में जाके 1.5 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स के अंदर रन करोगे। सो बंधु, इसमें आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है पुल अप। पुल अप करना पड़ेगा, कितना पुल अप करना पड़ेगा? जो 10 एंड अबव पुल अप करते हुए उसको 40 मार्क्स मिलता है। ये पुलर्स देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर करने 10 पुलर्स बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-1.5 साल आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी इसके ऊपर। जो 9 पुशअप पुलर्स देता है उसको 35 मार्क्स मिलता है, जो 8 देता है उसको 27 मार्क्स मिलता है, जो 7 देता है तो उसको 21 मार्क्स मिलता है, एंड जो 6 देता है उसको 16 मार्क्स मिलता है। तो बंधु, आपको समझ आ ही चुके होंगे ये पुल अप्स बहुत ही एक इसमें मार्क्स आपको जो सीनियरिटी मिलता है रैंकिंग कर, इसमें मार्क्स की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों, जो बैलेंस करना पड़ता है आपको, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा आपको। और ये इसमें कोई मार्क्स नहीं है, शुड क्वालिफाई एंड नो मार्क्स आर अवॉर्डेड, आपको ये करना ही पड़ेगा। जो बैलेंस है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो एक रैली में पार्टिसिपेंट इसमें बैलेंस करना है, इसको थोड़ा स्लाइंटिंग होगा और नीचे से ऊपर जाना होगा आपको, इसमें बैलेंस करना करता है करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, पर ये आपको करना ही पड़ेगा, एक क्वालिफाइंग एक राउंड है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है 9 फीट डीच। 9 फीट डीच आप देखते हैं कि एक 9 फीट का गड्ढा खोद होता हो रहा होता, और आपको उसमें भाग के उसको जंप करके वो डीच को क्रॉस करना होता है। ये भी क्वालिफाइंग एक स्टेप से, एंड इसमें भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, पर ये आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर पाओगे तो आप डिसक्वालीफाई घोषित किए जाओगे। तो दोस्तों, ये है हमारा, जो आप लोग जो जवान इंडियन आर्मी में तो जवान बनना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे आपको खुद को प्रिपेयर करें, जो रन है, जो जंप है, जो पुल अप्स है, जो बैलेंस है, हम इस वीडियो में जो हम लोग दिखाया है स्टेप बाय स्टेप्स, वो आप 1-1.5 साल आप कड़ी मेहनत करें इसके ऊपर, और आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल एंड शेयर द वीडियो, एंड वी फील प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। सैल्यूट टू दोज जवान्स, दोज आर पोस्टेड इन द बॉर्डर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।